प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी पहुंच चुके हैं और उससे सबसे पहले वो काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन पूजन करने के लिए पहुंचेंगे। ये देखिए, काशी विश्वनाथ मंदिर जो है महाशिवरात्रि के अवसर पर भव्य रूप में सजाया गया है और उसे ठीक पहले मुख्य द्वार पर भव्य रूप में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत की तैयारी हो चुकी है। ये देखिए, जो बटुक है वो यहाँ पर मौजूद है और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी का। कुछ ही पल में यहाँ पर मौजूद होंगे, दर्शन पूजन करेंगे। हम उनसे बात करते हैं, बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर है, कैसे प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत? आज काशी के विप्र समाज, काशी के बटुक मंगलाचरण के साथ, वैदिक मंत्रों के साथ अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यहाँ स्वागत कर रहे हैं और मोदी जी के दीर्घायुष्य की कामना करते हुए पुष्प वर्षा करके उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अभी कुछ ही पलों में यहाँ पर वो पहुंच जाएंगे। मौका भी बेहद खास है, महाशिवरात्रि का भी पर्व है और आप लोगों ने जो मंगलाचरण जो उनके लिए पेश किया है, एक बात और कही जाती है कि काशी की अपनी एक परंपरा भी है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या चुनावी माहौल में भी विशेष आशीर्वाद दे रहे हैं? ऐसा नहीं है, काशी में जब जब यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पधारे हैं, जब भी काशी के विप्र समाज को मौका लगा है आगे आकर उनको आशीर्वाद प्रदान किया है, उनके दीर्घायु की कामना किया है और राष्ट्र के कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हाथ और सशक्त हो और हमारा राष्ट्र और मजबूत हो, ऐसी प्रार्थना लेते हुए आज पुनः काशी में उनका हम यहाँ पर वैदिक मंत्रों के मंत्रोच्चार के साथ काशी के बटुक उन्हें आशीर्वाद प्रदान करेंगे और उनका अभिनंदन और स्वागत करेंगे। हम चाहते हैं कि अभी कुछ ही पल पहले, जैसा कि हमारे काशी के जो बटुक हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के लिए मंत्रोच्चारण कर रहे थे, वो फिर से करें। स्वस्ति न इंद्रो वृद्ध सर्वा, स्वस्ति न भूता विश्ववेदा, स्वस्ति न चारिचो अरिष्टने, निश्चित ही काशी वालों के लिए यह मौका बेहद खास है। कल ही महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया था और इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी काशी पहुंचने वाले हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।